जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। अगर आज आपका पहली बार आगमन हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग आते हैं वीडियो देखकर लौट जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिला करेंगे। हमारा निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का एक भी पैसा नहीं कटता है, ना कोई खर्चा होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें एक सपोर्ट की भावना आ जाती है कि हमारे इतने फ्रेंड हैं। तो अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रसंग की ओर। क्रम चल रहा है लेखा हरण का, तो जब आला के द्वारा कुंवर बहोरन को आरोप लगा दिया जाता है कि तुमने ही मेरी बहू को मार डाला, तुम्हारी ही बदनीयत थी, तुम्हारे ही द्वारा ऐसा कार्य किया गया, तो इन बातों को कुंवर बहोरन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो कहता है कि दादा आपका ये आरोप गलत है, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला, और मेरी सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई चूक नहीं थी और किसी अनहोनी पर किसी का बस नहीं होता। इसके पश्चात आला महोबा वापस लौट जाते हैं, लेकिन कुंवर बहोरन वापस महोबा नहीं जाता, नगर सिरसा जाता है। वो लेखा का पता लगाने के लिए नगर नगर जंगल जंगल भ्रमण कर रहा है, और तब उसे गुरु अमर गुरु मिलते हैं और अमर गुरु कहते हैं तुम बेटा कौन है। यद्यपि वो सब जानते थे कि ये मलखान का पुत्र है, लेकिन उन्होंने पूछा कि किसके बेटे हो, क्यों यहाँ तुम इस अवस्था में भटक रहे हो। तब वो बताता है कि मैं कुंवर मलखान का पुत्र हूँ, और जो घटनाक्रम था ब्यौरेवार बताता है और कहता है महात्मा जी अगर जब तक मुझे मेरी भाभी नहीं मिल जाती मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा किसी को, भले ही आत्महत्या करना पड़े। तब अमर गुरु सहायता करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वीडियो की लिंक इसी वीडियो में लगाई हुई है, आई बटन पर भी लगा है, आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और उसी मदद के द्वारा वो लेखा को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब लेखा को लेने जाता है तो वहां पर एक दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। राजा धाराजीत की बेटी लक्ष्मी बहोरन से कहती है कि जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे कि हम बारात लेकर के आएंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी, और वो बेटी लक्ष्मी को वचन दे देता है कि मैं अवश्य ही बारात लेकर के आऊंगा। तो अब वो विवाह का समय आ गया है। लेखा अपनी सास यानी मछला से कहती है कि कुंवर बहोरन हमें ले तो आए हैं, लेकिन वहां पर जो वचन लिया है उसको भी पूरा करना है। दूसरी चीज उस धाराजीत को भी सबक सिखाना है, जिसने शेरों की शिकार को ताका है, जिसने शेरों के ऊपर हाथ डाला है उसे कुछ फल मिलना ही चाहिए। तब मछला कहती है तुम चिंता ना करो, जो जो वचन तुम्हारे हैं सब पूरे किए जाएंगे। और वो आला को बुलाती है। आला आकर के जब ये सारी बातें सुनता है तो कहता है शांतिपूर्वक महलों में बैठो, अभी एक जिद का परिणाम तो तुम देख रही हो कि पूरे घर में विध्वंस मच गया, और अब तुम्हें पुनः दूसरी जिद लेकर बैठ गई, इसलिए
मैं यही कहूंगा कि तुम ये सब बदला लेने का विचार त्याग दो। घर की बात घर में है, अभी किसी को पता नहीं है कि लेखा का हरण हुआ। और इस प्रकार से डांट डपट कर आल्हा चले जाती है और मछला को इधर लगता है कि मैंने जो लेखा को वचन दे रखा है उस वचन का क्या होगा, कैसे लाऊंगी मैं लक्ष्मी को अपनी बहू बनाकर। तब तक उदल आ जाता है और भाभी मछला को निराश देख करके कहता है क्या हुआ भाभी। तब वो कहती है कि कुंवर बहोरन तुम्हारी बहू को खोज कर ले तो आया है, लेकिन वहाँ बहोरन राय ने भी एक वचन दे दिया और बेटी लेखा ने भी वहाँ पर एक प्रतिज्ञा ले ली। उन वचनों का क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे भैया इस बात के लिए सहमत नहीं है। तब उदल कहता है बताओ क्या करना है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि धाराजीत का किला नेस्त नाबूद कर दिया जाए और उसकी बेटी लक्ष्मी का विवाह कुंवर बहोरन के साथ कर दिया जाए। ऐसा ही मेरी बहू ने प्रण ले रखा है। दूसरी ओर बहोरन ने भी ऐसा ही वचन दिया है कि मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा। और धाराजीत अभिमानी है, वो विवाह साधारण में तो करेगा नहीं। ऐसा सुनकर उदल कहता है आप चिंता ना करें भाभी, आप ब्याह की तैयारियां करें, मैं भी जाता हूं अपना फर्ज निभाने। और जैसे ही वो जाता है आल्हा के पास तो आल्हा से कहता है दादा कोट कांगड़े की तैयारी करें, क्योंकि वहां पर आपकी बहू वचन ले आई है। तब आल्हा कहता है तुम्हारी मति मारी गई है, जो तुम वहां ऐसी बातें कर रहे हो वो कोई साधारण दुर्ग नहीं है जिसको जीत लोगे। स्वयं वो भगवान शंकर का वरदानी है, मारपेच का किला बना है और जादूगरनी चंदो जिसकी जादू का कोई मुकाबला ही नहीं है। तब उदल कहता है आप तो सदैव से डरपोक ही रहे भैया, लेकिन आज चाहे जो हो जाए मैं भाभी का दिया हुआ वचन गलत नहीं होने दूंगा और मैं अकेले ही कोट कांगड़े पर जाऊंगा, चाहे दिन रात तलवार चलती रहे, लेकिन मैं जब तक अपना प्राण पूरा नहीं करूंगा वापस भी नहीं लौटूंगा। और जब आला समझ जाते हैं कि उदल जिद पर आ गया है तब वो कभी ना नहीं करते, वो तत्काल आज भी इंदल के द्वारा चाचा सैयद को बुला भेजती है। चाचा सैयद आते हैं, पूरी बात उन्हें ब्यौरेवार बताता है और कहता है कि अब चाचा क्या होना चाहिए। तब चाचा सैयद कहते हैं कि आला बेकार डर रहे हो बेटा, और जहाँ पर तुमको ये लगे कि ये मोर्चा बड़ा है हम नहीं लड़ सकते, उस मोर्चे पर इस बुढ़े को लगा देना, और जब तक सर धड़ के ऊपर है तब तक मैं तुम्हारी मुच्छ नीचे नहीं होने दूंगा। और तैयारियां करो, ये क्या स्त्रियों की तरह सोच विचार में समय व्यर्थ करते हो। इतना सुनना था कि उदल ने शहर कोतवाल को आदेशित कर दिया कि जितनी फौजें हैं उन सबको एक साथ कमरबंद होने का आदेश दे दो। कोतवाल ने तैयारियां शुरू कर दी और जो कायरों की स्त्रियां हैं वो कहती हैं इससे अच्छा तो हम किसी और राज्य में रहें जहां पर कभी कभार लड़ाई होती हो, और इन उदल आल्हा के मारे हमारा तो जीना मुहाल है। इनके नित्य ही युद्ध युद्ध की मार रहती है। और जो सूरमा है उनकी पत्नियां कह रही हैं कि स्वामी अब जाइए, आज राजा को काम पड़ा है, लेकिन बस मेरी एक गुजारिश है कि आपकी छाती पर घाव लगे पेट पे नहीं, यानी वो युद्ध स्थल में डट कर युद्ध करने की सलाह देती हैं। वहीं जो कायर हैं वो अपनी पत्नियों से कह रहे हैं
कि हमें किसी प्रकार से इस बार बचा लो, अगली बार तो हम किसी दूसरे राज्य में रहने लगेंगे। ऐसी जगह रहने से क्या फायदा जहाँ नित्य नया युद्ध तैयार रहता है। और जो सूरमा है वो यही कहते हैं कि मैं तो चला युद्ध के लिए और शायद मारा जाऊं तो बस किसी प्रकार से अपने बेटों को इतना सक्षम बनाना कि वो महोबा की सेनक में सैनिक तो बन ही जाए, यानी दोनों प्रकार के स्त्री पुरुष हैं और उनका सूक्ष्म वर्णन किया मैंने। सारी फौजें तैयार हो चुकी हैं, जगह जगह से राजागण आ जाती हैं। आला के द्वारा दिए निमंत्रण से लाखन राणा आती है, तब उदल उनको देख के कहता है कि बड़ा भरोसा था मलखे का, लेकिन उनके खत्म होने के बाद वैसी मुझको दूसरी बाह कहाँ मिलेगी। लेकिन लाखन राणा, मुझे आपका भी बहुत भरोसा है और मित्र कभी दगा न देना। तब लाखन कहता है, मित्र जहाँ तुम्हारा घोड़ा धोखा दे जाए और जवाब दे दे लड़ने से, वहाँ तुम मुझे बताना, मैं ब्रजरासन को झोंक दूंगा। यानी उनकी हत्नी का नाम ब्रजरासन भी था, भुरही भी था और कभी कभी कैलासन का भी जिक्र होता है, लेकिन वो हत्नी एक ही है, नाम तीन हो जाते हैं। और ऐसी बातें सुन करके उदल अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है, लाखन राणा को अपने गले से लगाता है। और इस प्रकार से सारी तैयारियां पूर्ण हो गई। तब चाचा सैयद कहते हैं, चलने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक बात भूल रहे हो, वो कोट कांगड़ा है, वहां पर जादू की बहुत मार होगी और जादू का जवाब जादू से ही दिया जा सकता है। इसलिए अगर हो सके तो जादू के लिए सुजिया बेरन को बुला लो। और उदल को ये बात अच्छी लगती है, कहता है, चाचा संदेश भेज दो, सुबिया भी आ जाएगी। तब चाचा सैयद कहते हैं, वो सुबिया किसी संदेश से नहीं आएगी, क्योंकि वो किसी राजा की गुलाम नहीं है, उसका एक स्वतंत्र झंडा है। वो तो केवल तुमसे मोहब्बत करती है और उसी चक्कर में वो हर बार आती है। तब उदल कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात आप कहते हैं तो मैं स्वयं जा कर के उसको लेकर के आऊंगा। और इधर सेना कूच का इंतजाम होता है, और उधर जब धारा जी सुबह जागता है और देखता है कि साधु बाबा कहाँ है वो लेखा, तो उधर जब किसी को नहीं पाता है तो समझ जाता है कि ये तो निकल गए मेरे हाथ से। तब वो चंद्र धोबिन को फिर बुलवाता है और कहता है, जादूगर ने जो चिड़िया पिंजरे में फंस गई थी वो निकल गई, अब तुम जा करके महोबा से कोई ऐसा जतन करके उसे फिर अपने जादू के द्वारा इधर लाओ। तब चंद्र साफ जवाब देती है, बोली, वो रानी मछला के होते कोई ऐसा जादूगर नहीं है जो वहाँ से लेखा को लेकर के आ सके। और अब आप अपने मन को संतोष करिए, अब कोई उपाय शेष नहीं है जिसके द्वारा लेखा को पुनः लाया जा सके। ऐसा सुनकर धारा जी मन महसूस कर रह जाता है। तो मित्रों, यहाँ तक का प्रसंग कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा अपने कमेंट्स के द्वारा। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों की सेवा में। जो लोग अभी तक यहाँ बने हुए हैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।